अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हुमा लाइफ में आप लोग का वेलकम। अच्छा, ये मैं रात को बना रही थी फ्राइड चिकन विद फ्राइज, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। बहुत सिंपल, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। फर्स्ट पे हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, देन हम ब्रोस्ट मसाला या फिर आप टिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर शान वालों का ब्रोस्ट मसाला यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ हसबे जायका आप सॉल्ट एंड हम चिली सॉस ऐड करेंगे। देन इसको मिक्स करके हम फ्रीज़र में सेट होने के लिए थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए तकरीबन रख देंगे। आप नीचे फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रीज़र में खुद ही रखा है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी आलू 3 और उसकी कट कर लूँगी फ्राइज। अच्छा, फ्राइज कट करने के बाद इसको मैं लगाऊंगी कॉर्नफ्लोर। इसके साथ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें साल्ट ऐड करूंगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें मैं जो है काली मिर्च वो ऐड करूंगी। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। देन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर चिकन सेट हो चुका था। यहाँ पर मैं एक कोटिंग जो है वो मैदे की कर रही हूँ, देन मैं पानी में डिप करके दोबारा सेकंड कोटिंग भी मैं मैदे की ही कर रही हूँ। इससे बहुत क्रिस्पी सा चिकन बनता है। तो जी, यहाँ पर अब हम पहले फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। हम अगर फ्राइज़ को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करें तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं, और वैसे भी इसको कॉर्नफ्लोर लगाए तो वो ऑलरेडी क्रिस्पी ही बनेंगी। उसके साथ ही यहाँ पर जी हमारी फ्राइज़ हो चुकी हैं रेडी। तो यहाँ पर जी मैं अब फ्राई कर लूँगी चिकन। चिकन को मैं फ्राई करूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि चिकन कच्चा ना रह जाए इसलिए। तो ये आप भी ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी और उन इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं जो घर में ऑलरेडी पड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो कर लेंगे फ्राई, और देखें जैसा मैंने आपको कहा था, बहुत ही क्रिस्पी सा चिकन एंड फ्राइज बनेंगे। तो वीडियो में भी देखें सेम वैसे ही लग रहे हैं। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे जी दूध बॉईल कर रहे थे, क्योंकि जब दूध आता है तो फ़ौरन बॉईल करना पड़ता है, गर्मी है इसलिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे। मुझे तो पराठा खाना नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर पापा और सिस्टर के लिए बना रही थी। उन्होंने खाना था गोभी वाला पराठा, तो इसलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ। मैंने कुछ हल्का फुल्का सा खाना था, क्योंकि पराठा थोड़ा हैवी हो जाना था, इसलिए मेरा दिल नहीं था कर रहा। तो यहाँ पर मैं चाय के साथ 3 रस खा लूँगी, और जी बस ये है मेरा नाश्ता। तो यहाँ पर जी मैं अपनी भांजी की फ़्रॉक ठीक कर रही थी, क्योंकि आज शाम बर्थडे पहनी थी, थोड़ी लंबी थी। पापा थाईलैंड से लाए थे, तो इसलिए साइज़ लंबा ही ले आए वहाँ से, मतलब फ़्रॉक वगैरह का। तो ये है मेरी क्यूट सी भांजी मिरहा। तो ये बहुत तेज़ है माशाल्लाह से, बहुत शरारती और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये है मेरे लेंस जो कि मैं आज पहनूंगी। इनका कलर है एक्वा ब्लू, और साथ ही साथ ये वाला ड्रेस है जो मैं आज वेयर करूंगी। ओपन शर्ट के साथ गाउन है ये, मैं आपको आगे फुल लुक भी दिखाती हूँ वेयर किए हुए की। तो जी ये है मेरे ड्रेस की फुल लुक वेयर किए हुए की। तो साथ ही साथ हम निकल पड़े हैं तायाबू के घर के लिए, क्योंकि वहाँ पर है बर्थडे मेरी भतीजे की। तो यहाँ पर मैं आपको सेटअप दिखाती हूँ कि वहाँ पर उन्होंने कैसी डेकोरेशन की थी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था उन्होंने। माशाल्लाह से हिबा हो गई थी 3 साल की, तो यहाँ पर मैं आपको हिबा से भी मिलवाती हूँ। तो ये है जी हिबा मेरी भतीजी, माशाल्लाह से ये आज 3 साल की हो चुकी है। तो मैंने इसकी वीडियो बना रही थी, तो ये इस मिसाल से शर्माए जा रही थी, और दूसरी तरफ ये बच्चा, ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये है मेरी भांजी मिरहा। तो माशाल्लाह से दोनों बच्चे बहुत क्यूट हैं, और साथ ही साथ ये है हिबा का छोटा भाई सालार, माशाल्लाह से ये भी बहुत क्यूट है। तो जी ये है मेरी कज़न आयशा, ये भी व्लॉगिंग करती हैं। तो इनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ इनको भी जाके देख लीजिए, इनके व्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर मैं और मेरी कज़न ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स लेने आ गए थे, क्योंकि नीचे सबके लिए रखना था खाना। तो जी यहाँ पर भी खाना रख दिया था, और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पर जी ये है मेरी प्लेट।
यहाँ पर जो बर्थडे गर्ल अपनी मामा पापा के साथ केक कट करने लगी है, और यहाँ पर इनका मूड थोड़ा सा रूड हो गया था बट बाद में ठीक हो गया था। यहाँ पर जी दूसरा केक कट करना था, ये थी मेरी कज़न, मेरे चाचू की बेटी, तो इसकी बर्थडे थी 16 अगस्त को, तो आज ही इसका भी केक कट किया था। यहाँ पर सबको केक डाल के दे रहे थे, तो ये भी मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। तो जी केक वगैरह खाने के बाद सबने गिफ्ट्स वगैरह दिए, तो ये हैं सारे गिफ्ट्स। उसके बाद जी हम घर की तरफ वापस आ गए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होप्स हो कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।